आप लोग उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ये आप स्कूटर देख रहे हैं, रेवती ईवी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि हम लोग खुद का मैन्युफैक्चरिंग किए हैं और ये यहीं विंदनगर में बनती है स्कूटर। तो ये स्कूटर यहीं का कस्टमर लेके गया था और अभी इसका किलोमीटर में दिखाता हूँ एक बार आपको। ये देखिए 1596 किलोमीटर चली है, तो ये काफ़ी कम रन किया है लेकिन एक साल ये स्कूटर का हो गया। और इसमें क्या होता है कि मीटर कई बार रीसेट हो जाता है, अभी का 1000 दिखा रहा है और कस्टमर का कहना कि 9 महीना हो गया है स्कूटर का, मतलब साल भर होने वाला है। तो ये स्कूटर में अभी क्या क्या प्रॉब्लम आया हुआ मैं दिखाता हूँ। तो ये कस्टमर बता रहा है कि साल भर में ये स्कूटर ले के अपने पास आया ही नहीं था जब से ले के गया है। तो इसका हेडलाइट के अंदर का जो ये दिख रहा है आपको फ्लैश वाला, ये टूट गया है। तो ये देखिए स्क्रैच पड़ गया है इसमें, आप देख रहे हैं। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम आया है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसका नीचे से सॉकअप सर लीकेज कर रहा है, तो ये नट इसका लूज होगा। नीचे एक एलिंकी बोल्ट रहता है, तो साल भर में ये समस्या आया है इसमें। और इस तरफ का सॉकर आप देख सकते हैं जो कि सूखा हुआ है, तो ये ऊपर का कैप जो है बाहर आ गया था, तो इसको मैं घुमा के लगा दिया। और अभी ये सर्विसिंग के लिए लाया था, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गया था। इसमें ऐसा सर्विसिंग कुछ खास नहीं होता है लेकिन इसमें कोई दिक्कत आया था तो मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले एक ये दिक्कत है और इसका बल्ब जो है निकल के इसमें गिर गया था, तो ये हिल रहा था इसलिए बल्ब हिलते हिलते नीचे गिर गया, इसको लगा दिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसका मिरर अभी मैं न्यू डाला हूँ, देख रहे हैं आप दोनों तरफ का मिरर जो कि नया डाला हूँ। और बटन वगैरह में ऑयलिंग वगैरह कर दिया, ऑयल डाल दिया हूँ और बाकी थ्रोटल वगैरह इसका बिल्कुल ओके है। और ये स्कूटर में एक प्रॉब्लम आता है, ये कैप बाहर आ जाता है, देख रहे हैं आप यहाँ पे लॉक लगता है, लॉक में ये कैप लगता है, तो ये कैप बहुत ही जल्दी बाहर आ जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक साल भर चला होगा, हो सकता है महीना दो महीना में ही बाहर आ जाए। दूसरा इसमें कैरियर, ये देख रहे हैं आप कास्टिंग का कैरियर लगा रहता है जो कि इसमें टूट गया है, देख रहे हैं आप। तो ये कैरियर कब टूट गया वो भी मैं कस्टमर से नहीं पूछा हूँ, जैसे कि इसमें अगर कोई लोड ज़्यादा दे दे, पीछे बैठा है जो शख्स वो अगर इस पर ज़्यादा लोड दे दे तो इसका कैरियर जो है टूट जाता है, उसका भी कोई वो नहीं कि इतना चलेगा नहीं चलेगा। जैसे कि इस पर ज़्यादा लोड दीजिएगा कुछ तो ये कैरियर जो है कास्टिंग का रहता है टूट जाता है। और ये फुटरेस वगैरह वो खुद से लगवाया था और ये गाड़ी के साथ नहीं आता है। तो मोटर वगैरह में अभी तक इसमें दिक्कत नहीं आया, ना ही बैटरी में आया, सीट कवर वगैरह इसका फट गया है देख रहे हैं आप, और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। ब्रेक शू अभी मैं चेंज किया हूँ और ब्रेक केबल टूट गया था, तो ब्रेक केबल देखिए न्यू डाला हूँ ये देख रहे हैं आप, और ब्रेक शू इसमें चेंज किया हूँ। फ्रंट वाला ब्रेक शू वही है जो गाड़ी के साथ मिला था और रियर वाला चेंज हो चुका है। और इस लीवर के पास एक ब्रेक सेंसर लगा रहता है जिसको ब्रेक स्विच हम लोग बोलते हैं, जिससे कि ब्रेक लाइट जलता है, पार्किंग सिस्टम हटता है। जैसे कि भाई मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, देखिए इधर रेड वाला लाइट जलेगा, ये देख रहे हैं आप ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे। तो ये आ जाने से क्या होता है, मोटर रन नहीं करेगा और पार्किंग भी हटाने के लिए यूज होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अभी ये देखिए पी दिखाएगा, ये देखिए पी आ गया, अभी ये मोटर रन नहीं करेगा, देख रहे हैं आप ये रन नहीं करेगा। और जैसे ब्रेक दबा दिया तो पार्किंग हट जाता है, अभी रन करेगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं 25 के स्पीड में चल रहा है, तो अभी देखिए मोटर चलने लगा। और मोटर वगैरह में थोड़ा भी आवाज़ नहीं है और बिल्कुल बढ़िया एकदम चलता है। तो 8 से 9 महीने का गाड़ी में आप देख रहे हैं ये कंडीशन है गाड़ी का, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर का। और आपको अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर से चाहते और आप लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब इस कंडीशन को देख के और ले सकते हैं कि साल भर में आपका गाड़ी का कुछ कंडीशन इस तरह रहेगा। और जो मेंटेनेंस अच्छा रखता है, जो अच्छे से चला रहा, हो सकता है उसका थोड़ा और बेहतर रहे, तो आप इसका देख सकते हैं। और इसका फुटरेस पैनल भी टूट गया है ये देखिए, और ये ऑटोमेटिक टूटा होगा, मैं अपनी गाड़ी का खुद बता रहा हूँ क्योंकि ये कस्टमर गिराया हो रहा है नहीं होगा। बाकी कुछ सामान है कि गिरने से टूट जाता है, कैरियर बता रहा था कि मेरे घर का आदमी एक चला रहा था तो उससे टूट गया। बाकी बहुत सारे का ऐसा होता है कि 3 साल भी चल रहा है कुछ नहीं होता है, अगर ये पीछे बैठने वाला ज़्यादा इस पर लोड देता है तो इसका कैरियर काफ़ी जल्दी टूट जाता है। तो अभी एक कस्टमर के पास लेके चलता हूँ गाड़ी में, बाहर लेके आया था। तो आप अगर लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और अपना ये जो शोरूम है बेढ़न विंदनगर सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो आप इधर के हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इधर आके ले सकते हैं।
और गाड़ी का रेट भी अभी कम हो गया, 54,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। पहले ये 75,000 की ये गाड़ी आ रही थी, क्योंकि इसमें लिथियम बैटरी दे रहे थे, अभी लीड एसिड दे रहे हैं, तो रेट काफ़ी सस्ता हो गया है और आपको सस्ते में मिल जाएगा, 49,000 में ही मिल जाएगा आपको ये वाला स्कूटर। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको दूसरी जगह से कहीं हैं तो आपको अगर उधर स्कूटर चाहिए तो एक और आजमगढ़ में अपना शोरूम है, वहाँ से भी आपको ये स्कूटर दिलवा सकते हैं, लेकिन वहाँ का रेट थोड़ा अलग है और इसके ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप उधर जाके देख सकते हैं कि क्या मैं उसका रेट बताया और क्या क्या इसका पूरा फ्यूचर है, वो भी दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।